अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो यहाँ पे ये कनेक्शन पेड़ है जिसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा आप, ये कनेक्शन है। तो इसके बगल में जितने भी यहाँ पे रेडिस के प्लांट्स हैं उनको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उन पे कितना हैवी फ्रूट सेट हो चुका है। ये देखिएगा यहाँ से डिलिशियस का पेड़ है, एप्पल्स को आप देखिएगा यहाँ पर कितना हैवी फ्रूट सेट इस पर आया है। देखिएगा यहाँ से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारे एप्पल्स यहाँ पर पॉलिनेट हुए हैं। तो तब भी हम ग्रोवर से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने ऑर्चर्ड्स में पोलिनाइजर्स लगाएगा। देखिए यहाँ पे इस ग्रोवर ने कोई पीजर इस्तेमाल नहीं किया है, तो एक ही मसला यहाँ पे हो कि यहाँ पे इसको इन एप्पल्स को यहाँ पे पोलिनाइज मिले हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि इस साल सर्दी बहुत ज़्यादा हुई, वो हुई, ये हुई, तो उनके लिए ये जवाब है कि अगर फूलों पर बर्फ़ भी पड़ेगी ना तो फिर भी वहाँ पर एप्पल्स पोलिनेट होते हैं। टेम्परेचर का लीस्ट फैक्टर रहता है एक एप्पल को पोलिनेट होने में। ऊपर से आप एप्पल्स देखिएगा, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि इसी पेड़ की हम बात नहीं करेंगे, हम थोड़ा आगे चलने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देखिएगा ये यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ है यहाँ पे कनेक्शन का, क्योंकि कनेक्शन ब्लूम होता है रेड डिलिशियस के साथ साथ। देखिएगा यहाँ पे ये भी कनेक्शन है, ये भी यहाँ पर कनेक्शन है, और इसके बगल में यहाँ पर और एक रेड डिलिशियस का प्लांट है, इस पर हम फ्रूट सेट देखने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर आप कितना हैवी फ्रूट सेट हो चुका है इस पर। देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए आप फ्रूट सेट को देखिएगा, आप फ्रूट सेट को यहाँ पे देखिएगा। हालांकि यहाँ पे बारिश हो रही है इस वक्त, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ ऊपर, इस पर बहुत ज़्यादा फ्रूट सेट हुआ है। ये देखिएगा आप यहाँ पे फ्रूट सेट को आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए फ्रूट सेट देखिए ना आप यहाँ पे देखिएगा आप यहाँ से भी। ओह 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 माशाल्लाह, अल्लाह इसको बरकत दे यहाँ पे। तो इस पर हैवी फ्रूट सेट लगा है, क्योंकि इस बगल में यहाँ पे बहुत दो तीन पेड़ है कनेक्शन के, जितने भी इसके सराउंडिंग में यहाँ पे रेड के प्लांट से उन पे हैवी फ्रूट सेट हुआ है। तो अल्लाह इसको बरकत दे। हम थोड़ा और साइड चलने की कोशिश करेंगे। ये और एक पेड़ है यहाँ पर, देखिएगा इसका भी फ्रूट सेट, देखिए फ्रूट सेट यहाँ पर फ्रूट सेट को आप देखिएगा यहाँ पर। और एक पेड़ यहाँ पे है देखिए आप, और यहाँ इस साइड एक कनेक्शन है, ये भी बहुत बड़ा पेड़ है। तकरीबन मुझे लगता है कि आपको अपने ऑर्चर्ड्स में बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ को रखना पड़ेगा, तब जाके आपके ऑर्चर्ड्स में पॉलिनेशन हो पाएगी। यहाँ पे देखिएगा आप हैवी फ्रूट सेट कितना है। चलो इसको मैं यहाँ पे नीचे करने की कोशिश करूँगा। ओह देखिएगा यहाँ पर फ्रूट सेट ये डिलिशियस का, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दे। देखिए यहाँ पे, तो जो लोग पीजर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उनको मैं यही बात कहना चाहूँगा कि पॉलिनाइजर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारे ऑर्चर्ड्स में। इन तीन पेड़ों ने यहाँ पे तकरीबन मुझे लगता है जितने भी इसके सराउंडिंग में इसके रेडियस में तकरीबन 100 मीटर के अंदर जितने भी प्लांट्स उन पर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लूम आया है। चलो अब हम इस पॉलिनाइजर रेडियस से दूर जाने की कोशिश करेंगे इसी ऑर्चर्ड में। देखिए पहले फ्रूट सेट यहाँ पर, और देखिएगा यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह, ओह ओह ओह। चलो अब हम इस प्लांट से दूर जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये और रेड डिलिशियस का प्लांट है, देखिए अभी बहुत दूर हुआ है उस प्लांट से क्योंकि कनेक्शन बहुत दूर है यहाँ से। अब इस पे भी फ्रूट सेट देखिएगा आप, इस पे बिल्कुल क्लियर कट कम फ्रूट सेट इस पे है। अब इस वैरायटी पे इस प्लांट को देखिएगा आप, इस पर मुझे लगता है कोई भी दाना इस पर नहीं है क्योंकि अब ये बहुत दूर हो चुका है पॉलिनाइजर वैरायटी से। अब यहाँ पर देखिएगा आप, इस पर थोड़ा फ्रूट सेट इस पर बना है, देखिए ये बिल्कुल खाली है यहाँ पर। तभी हम ग्रोवर से ये कहना चाहेंगे कि जितने भी प्लांट्स पोलिनाइजर वैराइटीज़ के साथ हैं उन पे हैवी फ्रूट सेट लग चुका है।